शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। अमेरिकी कृषि विभाग USDA ने ब्राजील और अर्जेंटीना के सोयाबीन उत्पादन अनुमानों को अपने पिछले अनुमानों से घटाकर कम कर दिया है। USDA ने अब ब्राजील के लिए सोयाबीन उत्पादन अनुमान फसल वर्ष 2021-22 सितंबर से अगस्त 134 मिलियन मैट्रिक टन होने का अनुमान लगाया है, जो कि USDA द्वारा जनवरी में दिए गए अनुमान से लगभग 5 मिलियन मैट्रिक टन कम है। USDA ने अर्जेंटीना के सोयाबीन उत्पादन में भी कटौती की है। USDA ने अर्जेंटीना का सोयाबीन का उत्पादन 45 मिलियन मैट्रिक टन रहने का अनुमान लगाया है। USDA ने अर्जेंटीना के सोयाबीन उत्पादन में पहले के उत्पादन अनुमान के मुकाबले लगभग 1.5 मिलियन मैट्रिक टन की कटौती की है। USDA की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सोयाबीन उत्पादन में गिरावट रह सकती है। USDA के अनुसार वैश्विक सोयाबीन उत्पादन 8.7 मिलियन मैट्रिक टन से घटकर 363.9 मिलियन मैट्रिक टन रहने का अनुमान है। यह गिरावट साउथ अमेरिका में सूखे के चलते देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।